डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया टोप्पो, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के मझगांव प्रखंड अंतर्गत गहड़ी गांव में सीमेंटेड पिलर को फोड़कर सिंचाई पाइपलाइन चोरी कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। मझगांव से हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। मझगांव नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के ग्राम गहड़ी में सिंचाई पाइपलाइन से खेत तक पानी पहुंचाए जाने के लिए निर्धारित साइज के पीवीसी HDPE पाइप के द्वारा सैकड़ों एकड़ खेतों की सिंचाई करने का मात्र एक सुविधा था। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 4 ग्राम गहड़ी के ही स्थानीय निवासी नंद कुमार मेहता सियाराम मेहता के द्वारा सिंचाई पाइपलाइन सीमेंटेड पिलर से 14 जून 2020 दिन रविवार को सबल बिग हैम्बर से तोड़ फोड़ कर 500 से 1000 फीट SI पाइप अपने निजी उपयोग के लिए चोरी करके घर लाया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। विदित हो कि सियाराम मेहता सिंचाई पाइपलाइन को बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि सियाराम मेहता सिंचाई पाइपलाइन का कंट्रेक्टर थे। बताया जाता है कि सियाराम मेहता ने ही सबसे पहले सिंचाई पाइपलाइन को तोड़कर पाइप को अपने निजी उपयोग के लिए लाना शुरू किया था। बताते चले कि वार्ड नंबर 4 ग्राम गहड़ी के स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद वीना देवी ने नंद कुमार मेहता को मना किया कि पाइप को निजी उपयोग के लिए मत ले जाइए, परंतु नंद कुमार मेहता ने मना करने के बावजूद भी नहीं माना और वार्ड पार्षद पति दुर्गेश मेहता के साथ गाली गलौज करने लगा। सिंचाई पाइपलाइन की चोरी होने से किसानों के सैकड़ों एकड़ भूमि मरुभूमि हो जाएगी। किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि अब हम सभी किसान अपने अपने खेतों में फसल नहीं उगा पाएंगे। खेती करने का मात्र एक सुविधा सरकार के द्वारा किसानों के लिए निर्गत कराया गया था, परंतु कुछ जालिमों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए पाइप को तोड़कर निजी उपयोग किया जा रहा है। हर तरफ जहां सरकार किसानों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्ट व जालिमों के द्वारा खेती की जाने वाली सुविधाओं को बर्बाद किया जा रहा है तथा निजी उपयोग के लिए ही सिर्फ सोचा जा रहा है। यदि सरकार के द्वारा इन सभी भ्रष्ट जालिमों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तथा पूरे खेती की जाने वाली सिंचाई पाइपलाइन का नहीं निर्गत कराया जाएगा, तो हम सभी फसल नहीं उपजा पाएंगे और हम सभी का घर परिवार नहीं चल पाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार भ्रष्ट व्यक्तियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी गांव के किसान बाध होकर अनशन पर बैठ जाएंगे। फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।